गुड इवनिंग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे हैलोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हैलोजन मीन्स पेरियोडिक टेबल के ब्लॉक 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन कहलाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन और स्टेटीन। हैलोजन एलिमेंट्स 5 होते हैं जिनमें 4 मल्टी यूजेज होते हैं। एल्किल समूह जब हैलोजन से जुड़ता है तो बनता है एल्किल हैलाइड, जिसे शॉर्ट में हम RX से डिनोट करते हैं। एल्किल हैलाइड या हैलोजन के व्युत्पन्न बनाने के निम्न रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इनकी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। पहली जो रिएक्शन आ रही है वो है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया के अंदर ये मल्टी यूजेज रिएक्शन है, एल्किल एल्कोहल या एल्कोहल की अभिक्रिया जब थायोनिल क्लोराइड से करवाई जाती है। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2 होता है। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में जब कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड बनता है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाष्पित हो जाती है। अभिक्रिया की ड्यूरेशन बनने वाली जो HCl गैस होती है वो पिरिडीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इस रिएक्शन को हम डार्जन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो RCl या एल्किल एल्कोहल मिल रहा है, एल्किल क्लोराइड बन रहा है, जिसे RCl से हम डिनोट कर सकते हैं। R और Cl की जगह X की जगह Cl मोमेंट हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन ROH प्लस PCl5 या एल्कोहल होता है। एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाई जाती है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 होता है। अगर इसका वियोजन हम करते हैं तो PCl3 प्लस Cl2 गैस बनती है। देखिए स्टूडेंट, ROH की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से जब करवाते हैं तो पहले वाला वही प्रोडक्ट RCl बन रहा है, POCl3 और क्लोरीन गैस बन रही है। इस अभिक्रिया को हम डार्जन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है बच्चों, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया आ रही है। यह भी हैलोजन व्युत्पन्न की रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। RCl की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में करवाई जाती है। एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में करवाई जाती है। एल्किल आयोडाइड बनता है और रिएक्शन के अंतिम पद में NaCl3 होता है। इस अभिक्रिया को हम फिंकलस्टाइन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यह X की वैल्यू क्लोरीन ले रहे थे हैलोजन की जगह, यहाँ दूसरा हैलोजन अपन ब्रोमीन लेकर देख रहे हैं। RBr प्लस NaI, यहाँ एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में करवाई जा रही है। एल्किल आयोडाइड बन रहा है और सोडियम ब्रोमाइड फ्री हो रहा है। देखिए बच्चों, अगली जो थर्ड इम्पोर्टेंट रिएक्शन आ रही है वो है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करवाई जाती है। सिल्वर फ्लोराइड का फॉर्मूला AgF होता है। एल्किल फ्लोराइड व सिल्वर आयोडाइड बनते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो 4 इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डियर स्टूडेंट, ये होन्स डीकर अभिक्रिया। होन्स डीकर रिएक्शन में RCOOAg प्राथमिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण जो होते हैं उनकी रिएक्शन डाइब्रोमीन आई मीन्स Br2 से करवाई जाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। RBr यानी कि एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और सिल्वर ब्रोमीन मुक्त हो रहा है। देखिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पहली रिएक्शन डार्जन अभिक्रिया पढ़ी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिंकलस्टाइन अभिक्रिया पढ़ी है, उसके बाद स्वार्ट अभिक्रिया पढ़ी है, उसके बाद होन्स डीकर रिएक्शन पढ़ी है। तीनों की तीनों रिएक्शनों में, चारों की चारों रिएक्शनों में RCl या एल्किल क्लोराइड बन रहा है या एल्किल आयोडाइड बन रहा है, यहाँ पे एल्किल आयोडाइड बन रहा है, यहाँ पे एल्किल फ्लोराइड बन रहा है। एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए स्वार्ट अभिक्रिया करवाई जाती है। एल्किल फ्लोराइड का निर्माण सिर्फ स्वार्ट रिएक्शन के द्वारा ही करवाया जाता है।
और लास्ट जो अंश दिख रहा अभिक्रिया है उसमें RBr या एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है। थैंक्स स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे।